नमस्कार दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे गर्मियों में आंखों से पर होने वाले नुकसान के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों तापमान बहुत ऊपर जा रहा है। करीब भोपाल का तापमान अगर बात करें तो 41-42 डिग्री के आसपास चल रहा है। और इस दौरान मौसम विभाग हमेशा चेतावनी दे रहा है कि आप अपनी आँखों को और शरीर की सुरक्षा के ध्यान रखें। खासतौर से जो हीट वेव्स इन दिनों चल रही हैं, उससे किस तरह के नुकसान आंखों को हो सकते हैं, इस बारे में आज हम जानेंगे। और साथ ही ये जानेंगे कि कैसे हम अपनी आंखों की सुरक्षा गर्मियों के दौरान कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर की जानी मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता रामनानी, जो कि वर्तमान में बंसल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो गर्मियों का मौसम है, इस दौरान आँखों को किस तरह का नुकसान हो सकता है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, हमारी जो आँखें हैं वो बड़ी सेंसिटिव हैं, और इस धूप में, गर्मी में, शुष्क वातावरण में आँखों के ऊपर जो इफ़ेक्ट होते हैं वो न केवल हाई टेम्परेचर की वजह से होते हैं, बल्कि यूवी लाइट्स की वजह से भी होते हैं। और ड्राइनेस की वजह से आँखों में इरिटेशन, पेन, रेडनेस, वाटरिंग होता है, और कई बार ये आंखों की रोशनी को भी ख़राब कर सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि जो यूवी रेज हैं और जो हीट वेव्स होती हैं, दोनों का आंखों पर मिला जुला प्रभाव पड़ता है। तो ये आपने जैसा बताया कि यूवी रेज हमें बहुत ज़्यादा आंखों को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं, तो इस बारे में थोड़ा और ज़्यादा प्रकाश डालें कि यूवी रेज किस तरह से हमारी आंखों को अफेक्ट करती हैं। यूवी लाइट्स जो होती हैं वो हमारी आंखों के कॉर्निया, लेंस और रेटिना पे प्रभाव डालती है। जो आंखों की रेटिना पे अगर डैमेज होता है तो उसे मैक्युलर डीजनरेशन कहते हैं, और उसमें विजन कम होने की संभावनाएं रहती है। कैटरेक्ट अगर लॉन्ग टर्म यूवी एक्सपोजर है तो कैटरेक्ट बनने की भी धीरे धीरे करके संभावनाएं बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम यूवी लाइट की होती है वो होती है कॉर्निया के ऊपर, यानी कि फोटोकेराटाइटिस, जिसमें मरीज को आंखों में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा चुभन होती है, आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और ऐसे में मरीज को काफ़ी चकचोंद होती है देखने में और आंख खोलने में। तो मैम, आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी कि जो यूवी रेज होती हैं आंखों पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालती हैं, और गर्मियों का मौसम इनसे बचने के लिए, मतलब गर्मियों के मौसम में इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। तो जो यूवी रेज हमारी आँखों को नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि गर्मियों में हम काम किए बगैर रह नहीं सकते और काम के लिए हमें बाहर निकलना ही होता है, तो इस यूवी रेज से किस तरह से हम प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो पीक धूप के टाइमिंग्स हैं, तपती धूप में करीबन दिन में 12 से 4 के बीच में आप बाहर न निकलें, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाहर धूप में निकलना तो आप छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक हैट लगा सकते हैं, गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बीच में आप अपना हाइड्रेशन बिल्कुल बना के रखें, लिक्विड्स का सेवन करते रहें, आँखों को मसले रगड़े नहीं, और जितना हो सके फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, और आँखों को अगर कोई भी किस्म की परेशानी होती है, आँखों में दर्द, चुभन, खुजली या लालिमा है या सूखापन है, तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन लोगों को धूप से एलर्जी है उनको न केवल आँख में बल्कि स्किन में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के निकलें। तो मैम, जैसा आपने बताया, काफ़ी सारे उपाय आपने बताए दर्शकों को, तो गर्मियों में एक समस्या और देखने में आती है कि लोगों को एक तो लू भी लगती है, तो इस तरह की जो सनबर्न होती है जिससे कि स्किन पर भी असर होता है या लू का असर होता है बॉडी पर, तो क्या आँखों के लिए भी कुछ सनबर्न टाइप की कोई चीज़ होती है या कोई इस तरह के नुकसान होते हैं? जी बिल्कुल, ये जो बहुत हाई टेम्परेचर होता है उससे सनबर्न कहा जाता है। ये सनबर्न आँखों को भी इन्वॉल्व करता है, इसमें जो आँखों की लेयर है कॉर्निया उसके ऊपर नुकसान होता है, और जिसकी वजह से आँखों में शुष्कता यानी ड्राइनेस आ जाती है, और इसमें मरीज को काफ़ी चुभन होती है, आँखें खोल नहीं पाता है, और कई बार इतने तेज़ी से बर्न होता है कि मरीज आँखें खोलता ही नहीं है, और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द और असहनीय पीड़ा होती है। जी, जैसा आपने कहा कि सनबर्न की वजह से आँखों में असहनीय पीड़ा होती है और आँखें खोलने में भी काफ़ी तकलीफ पेशेंट महसूस करते हैं, तो अब एक प्रोटेक्शन जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है वो सनग्लासेस।
तो सनग्लासेस से हम किस तरह से अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह की सनग्लासेस हमको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि बाज़ार में सब तरह के सड़क के किनारे भी लोग बेच रहे होते हैं और लोग उनको खरीद करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। थोड़ा इस बारे में हमारे दर्शकों को जागृत करें कि किस तरह के लेंसेस आँखों में नुकसान पहुँचाते हैं या किस तरह के लेंसेज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हर डार्क कलर का चश्मा गॉगल यूवी प्रोटेक्टिंग नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी गॉगल इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूवी प्रोटेक्टिंग होंगे, जिसका मतलब है कि वो यूवी लाइट को ब्लॉक करेंगे, और हो सके तो पोलराइड ग्लासेस और किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का अगर हम गॉगल परचेस करेंगे तो वो हमारी आँखों की सुरक्षा करेगा, वो यूवी लाइट्स को कट करेगा, वो आंखों तक नहीं पहुंचने देगा। जो लोग अपना रूटीन चश्मा इस्तेमाल करते हैं वो उस चश्मे को फोटोक्रोमैटिक बनवा सकते हैं, यूवी प्रोटेक्टिंग या ब्लू रेज प्रोटेक्टिंग चश्मे बनवा सकते हैं। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेस यूज़ करते हैं वो अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें, जिसमें कि आंखों को ड्राइनेस होने की ज़्यादा संभावना रहती है ऐसे मरीजों को, तो वो इन दिनों गर्मियों में वो अपने चश्मों का इस्तेमाल करें, गॉगल्स वो भी यूवी प्रोटेक्टिंग इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि जो चश्मे हैं उसमें भी हमें उनके इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह के चश्मे हम इस्तेमाल करें उस के बारे में आपने बताया। जैसे कि आपने मेरे पहले प्रश्न के जवाब में कहा था कि जो यूवी लेयर्स होती हैं या यूवी रेज होती हैं उसकी वजह से हमारी आँखों में कैटरेक्ट भी हो सकता है, और चूंकि गर्मियों के मौसम में एक मिथ है कि लोग अवॉइड करते हैं कि सब गर्मियों में टांके पक जाते हैं या गर्मियों में मतलब कैटरेक्ट की सर्जरीज नहीं करानी चाहिए, तो क्या ये मिथ है या सच्चाई है, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मोतियाबिंदु यानी कैटरेक्ट एक उम्र से बढ़ती हुई लेंस की धुंधलेपन की निशानी है, जिसमें यूवी लाइट का एक रोल है कि एज के साथ में अगर खान पान सही नहीं रहा है और यूवी लाइट को एक्सपोजर है, स्मोकिंग एडिक्शन है, तो ये हमारे सेनाइल कैटरेक्ट यानी एज वाले कैटरेक्ट को जल्दी आने के लिए कारगर रहेंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इन सब चीज़ों से बचें ताकि हमको कैटरेक्ट नहीं हो, बट अनफॉर्चुनेटली अगर कैटरेक्ट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट केवल सर्जरी ही रहता है, और ये सर्जरी जो होती है वो 1.2 मिलीमीटर से लेके 2.8 मिलीमीटर के इंसीजन से होती है, और ये स्टिचलेस होती है जिसमें कि टाके नहीं लगाए जाते हैं, और जो रीसेंट पद्धति है उसमें फेको इमल्सिफिकेशन और फोल्डेबल लेंस लगा के सर्जरी कंप्लीट की जाती है, जो जिसमें कि हमें कोई आँख में इंजेक्शंस भी नहीं लगाने पड़ते हैं, एक आई ड्रॉप के जरिए हम आँख को सुन्न कर देते हैं और उसमें कोई ड्रेसिंग या पट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि गर्मियों से हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है कैटरेक्ट सर्जरी में, हम किसी भी सीजन में कैटरेक्ट सर्जरी करवा सकते हैं। जी, तो जैसा आपने बताया कि जो एक कॉमन भ्रांति है कि लोग ये मानते हैं कि गर्मियों के सीज़न कैटरेक्ट सर्जरी के लिए उपयुक्त नहीं होता, आपने बताया कि किस तरह से हर सीज़न में कैटरेक्ट की सर्जरी सेफ़ है, क्योंकि आजकल तकनीक बहुत अच्छी हो चुकी है, मेडिसिंस बहुत अच्छी आ रही हैं, और जो हाइजीन है इसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है, आम व्यक्ति भी इस बात का बहुत ध्यान रखने लगा है। तो इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब देखते हैं तो मैं मानता हूं कि ये आप जो कह रही हैं कि सही बात है कि आप किसी भी सीज़न में हम इस तरह की सर्जरी को करा सकते हैं। और जहां तक आपने बताया है कि आंखों के प्रोटेक्शन के बारे में, यूवी रेस के बारे में, गॉगल्स के इस्तेमाल के बारे में, हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।